हाय गाइस, मैं हूँ राखी और ये है श्रेयस, मेरा बच्चा। देखिए किन किन के बच्चे ऐसे सोफे के नीचे जाते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा 9th मंथ बेबी है, ये 9th मंथ जैसा भी लगा है। और ये इतना बदमाशी करता है कि ये सोफे के नीचे जा खेल रहा है। देखिए बॉटल के ढक्कन के साथ, ये देखिए देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए और मैं ये देखिए, 9th मंथ बेबी, ये देखिए क्या क्या एक्टिविटी करता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका ढक्कन ये इधर आ चुका है, ये पलंग के नीचे। और ये देखिए, ये देखिए, ये पलंग के नीचे, इस यहाँ से ये पलंग के नीचे से यहाँ गया है। और ये देखिए, अभी पूरा ये देखिए, जहाँ जहाँ वो जा रहा है ढक्कन, वो ढक्कन के पीछे पीछे जा रहा है। देखिए कुर्सी तरफ चले गया है वो उस साइड। बच्चे 9th मंथ के हो जाते हैं तो हर तरफ घूमते हैं, पलंग के नीचे, सोफे के नीचे, इधर चीज़ें पकड़ के, जैसे पलंग के, सोफे के पकड़ने की कोशिश करके खड़े होते हैं बच्चे। तो बहुत केयरफुल रहिएगा, 9th मंथ बेबी अभी खड़े होने की कोशिश करते हैं, बुलाइए तो समझते हैं हमारे आवाज़ को। यश कम, आजा यश, आजा। देखिएगा इसको चोट मत लगे, हम निकाल देते हैं ना पहुँचे। देखिए ये पलंग के नीचे ही है अभी, देखिए गाइस, ये पलंग है पूरा और ये पलंग के नीचे में है ये, और पलंग के नीचे ही खेल रहा है। बच्चे को ऐसे भाई चुपके से खेलने में बहुत मजा आता है, पूरा घर इधर उधर उन लोग घूमते रहते हैं। जब भी बच्चे रंगना चालू कर दे तब भी आप बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें, पास में होगा तो पानी टब में भर के ना रखिए, क्योंकि कोई भी लापरवाही हो सकती है उससे। हमेशा अपनी नज़र के सामने रखिए बच्चों को खेलते, क्योंकि अब कुछ भी लोग करने का कोशिश करते हैं। देखिए अभी भी पलंग के नीचे ही है गाइस, देखिए देखिए अभी भी पलंग के नीचे ही होके ये खेल रहा है। पकड़ के रखो तो ये नीचे उतारो और खेलाओ, खेलने दो करके रोते रहता है। अब नीचे छोड़ते हैं, ऐसी देखिए ऐसी हरकतें करते रहता है ये, उधर जाने की कोशिश कर रहा है। यश देखिए वो ढक्कन जिधर जिधर जा रहा है उसके सर में लगने का डर है, बट वो अपने आप को संभाल लेता है। देखिए हम उसको थोड़ा सा फ्रीडम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो क्या कर सकता है। पलंग के नीचे ही है वो, देखिए गाइस अभी भी पलंग के नीचे ही है वो, अच्छी तरफ गया है और पटक रहा है ढक्कन को, बॉटल के ढक्कन है वो। बच्चे को कुछ भी मिल जाए, बॉटल का ढक्कन, बॉटल, कुछ भी, जरूरी नहीं उनको खेलने के लिए खिलौने ही मिल जाए। देखिए गाइस अभी भी वही है वो। यश यश आजा, देखिए जिधर जिधर वो ढक्कन जा रहा है वो ढक्कन के पीछे पीछे जा रहा है वो। देखिए गाइस उधर गया है अभी, बहुत दूर से वीडियो बना रहे हैं उसका। हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है गाइस, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। हमारी लाइव, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वो मुंह में भरने का कोशिश कर रहा है, कुर्सी के अंदर गया है गाइस। हम 9 मंथ पे भी अच्छे से बैठ जाता है गाइस, अभी उसको ना सपोर्ट की ना सहारे की ज़रूरत होती है। 9 मंथ जैसे ही उसको लग जाता है वैसे ही वो प्रॉपर अच्छे से बैठ जाता है। देखिए ना हम हाथ पकड़े ना कुछ पकड़े, वो प्रॉपर बैठ गए हैं। शुरू शुरू में 8वें महीने में जब बैठना चालू किया था तब गिर जाता था,
पहले हम गद्दा बिछाते थे, अभी नहीं बिछाते हैं क्योंकि कहाँ कहाँ गद्दा बिछाएंगे, क्योंकि अब वो पूरा घर घूमता है गोल गोल, किचन बेडरूम हॉल पूरा बाथरूम वाथरूम हर जगह जाता है वो, तो अब हर जगह तो नहीं बिछा सकते गाइस हम। देखिए पहले शुरू शुरू में बिछाते थे, अभी नहीं बिछा रहे हैं। आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमको वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ढक्कन के पीछे जा रहा है, और जिन जिन के बच्चे को 9 मंथ के हो गए हैं वो टीकाकरण जरूर करवाए, क्योंकि 9 मंथ बेबी को अभी टीका लगता है, वो अवश्य करवाए। जिनके भी बच्चे 9 मंथ हो गए हैं अभी पूरे होने के बाद, कोई लोग करवाते हैं, कोई लोग स्टार्टिंग में ही करवाते हैं, जैसे आपके तरफ करवाते हो वैसे ही करवाएं आप नियम के अनुसार। देखिए गाइस बहुत देर का वो ढक्कन को छोड़ा ही नहीं है लड़के ने, ढक्कन के साथ ही खेले जा रहा है। देखिए जैसे ही ढक्कन आगे बढ़ा वैसे ही मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है। देखिए आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपका प्यार हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है। बाय गाइस।